साथियों, आपको अच्छी तरह पता है कि यहां भी वो देश को बांटने वाला कैसे खेल खेला जा रहा है। सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरपुर समेत पूरे पश्चिमी यूपी में ये फैला रहे हैं कि सहारनपुर एक नई प्रयोगशाला है। लेकिन याद करिए, जब दिल्ली में महामिलावट की सरकार थी और यहां सपा की सरकार थी, तब एक प्रयोग इन्होंने मुजफ्फरनगर में भी किया था। जात पात बिरादरी के आधार पर कैसे जुल्म हुए, बेटियों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, वो सब याद है ना? याद रखोगे ना? बहन जी, उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए, उन दिनों को भुला सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है क्या? उत्तर प्रदेश भुला सकता है क्या? सहारनपुर के बाजारों में वो आगजनी, व्यापारियों के साथ वो अत्याचार, क्या यूपी वो दिन भुला सकता है क्या? शामली में किराना का वो मॉडल, जब घरों पर दुकानों पर कब्जे वाले गिरोह खुले आम घुमा करते थे, पलायन के वो दिन, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बुआ बबुआ भुला सकते हैं, लेकिन आप भुला सकते हो क्या? भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद अब पलायन और भय का वो दौर बंद हो चुका है। साथियों, इन्हें पता है कि अब आपको भ्रमित करना मुश्किल है, इसलिए इन चुनावों में वोट बैंक की पॉलिटिक्स का पुराना दांव फिर से खेला जा रहा है। चौधरी अजीत सिंह ने तो इस स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी है। तब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चुप रहे और आज भी अपने स्वार्थ के लिए वो इस क्षेत्र में आप पर हुए अत्याचारों को भूल गए हैं। उनकी जुबान दंगों के संरक्षकों के विरुद्ध नहीं उठती। हां, इस चौकीदार को गाली देने के लिए वो गली गली घूम रहे हैं। छोटे चौधरी तो उनसे भी आगे बढ़ गए हैं। मैं उनका एक बयान सुन रहा था, जिन लोगों ने उन्हें इतना सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उनके प्रति ऐसी भाषा। भाइयों और बहनों, चौधरी साहब को ये याद दिलाना आपका दायित्व है कि उनका भी ठेका किसी ने आपको नहीं दिया है। हमेशा राष्ट्रहित के लिए, किसान हित के लिए समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी आत्मा जहां भी होती होगी, ये सुनकर के उनको कितना दुख होता होगा, ये हम सब भली भांति समझ सकते हैं।